आत्मीय ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತೀನಿ. ಇಂದು ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದ ಮೊದಲ ಗದ್ಯ ಪಾಠ ಬಡಿ ಘರ್ ಕಿ ಬೇಟಿ ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರೆಯದಿರಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ, ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ. ಆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಾಠಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಭ್ಯಾಸ मुख्य प्रश्न वंदे इदे, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए. पहला प्रश्न था, ठाकुर साहब के कितने बेटे थे? उत्तर है, ठाकुर साहब के दो बेटे थे. दूसरा प्रश्न, बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति किसे भेंट के रूप में दे चुके थे? उत्तर, बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट के रूप में दे चुके थे. अगला प्रश्न था, ठाकुर साहब के बड़े बेटे का नाम क्या था? उत्तर है, ठाकुर साहब के बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ था. चौथा प्रश्न, श्रीकंठ कब घर आया करते थे? उत्तर है, श्रीकंठ हर शनिवार को घर आया करते थे. पांचवा प्रश्न, आनंदी के पिता का नाम लिखिए. आनंदी के पिता का नाम भूप सिंह था. छठा प्रश्न, थाली उठाकर किसने पलट दी? उत्तर, आनंदी के छोटे देवर लाल बिहारी ने थाली उठाकर पलट दी. सातवां प्रश्न, गौरीपुर गांव के जमींदार कौन थे? उत्तर है, वेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार थे. आठवां प्रश्न, किसकी आंखें लाल हो गई थी? उत्तर है, श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई थी. नवा प्रश्न, बिगड़ता हुआ काम कौन बना लेती है? बिगड़ता हुआ काम आनंदी बना लेती है. दसवां प्रश्न था, बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक कौन है? उत्तर, बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक श्री मुंशी प्रेमचंद जी हैं. दूसरा मेन प्रश्न था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. उसमें पहला प्रश्न था, बेनी माधव सिंह के परिवार का संक्षिप्त परिचय दीजिए. उत्तर है, बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के नंबरदार जमींदार थे. बड़े धनधान्य संपन्न थे. गाँव में तालाब मंदिर की मरम्मत कर कीर्ति प्राप्त की थी, किंतु आज परिस्थिति कुछ विपरीत थी. आधी से ज्यादा संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे. ठाकुर साहब के दो बेटे थे, बड़ा श्रीकंठ, शरीर निर्बल, चेहरा कांतिहीन, बीए डिग्री अंग्रेजी में प्राप्त की थी, दफ्तर में नौकर था. प्राचीन हिंदू सभ्यता का धार्मिकता पर विश्वास था. सम्मिलित कुटुंब के एकमात्र उपासक थे. छोटे लड़का सजीला जवान भरा हुआ मुखड़ा, नाम था लाल बिहारी सिंह, बैस का ताजा दूध रोज पीता था. अंतकंत उत्तर बरीबेकु. मुंदिन प्रश्न, आनंदी ने अपने ससुराल में क्या रंग ढंग देखा? उत्तर, सीधे सादा देहाती गृहस्थ मकान था. मकान में खिड़कियां न थी, जमीन पर फर्श न था, न दीवार पर तस्वीरें, बाग न था, सुंदर जी बहन न थी, हाथी घोड़ा नहीं थे, उसने विलास के सामान देखी न थे. यह रंगढंग आनंदी अपने ससुराल में देखा. अगला प्रश्न, लाल बिहारी आनंदी पर क्यों बिगड़ पड़ा? उत्तर है, लाल बिहारी एक दिन दोपहर खाना खाने आया. आनंदी ने नया व्यंजन मांस का बनाई थी. उस मांस के व्यंजन में पाव भर की घी डाल दिया था और दाल में घी कम होने की वजह घी न था. जब लाल बिहारी ने देखा दाल में घी न था, अपनी बावज के दुस्साहस पर बिगड़ गया. परसों ही घी आया था और इतनी जल्दी उठ भी गया. आनंदी के मौके की निंदा भी की. अगला प्रश्न, आनंदी बिगड़ता हुआ काम कैसे बना लेती थी? उत्तर है, आनंदी स्वभाव से दयावती थी. देवर लाल बिहारी का पर घर छोड़ जा रहा था, केवल एक पाव घी से इस बात को इतना बढ़ावा दिया था. उसने न सोचा था लाल बिहारी मामी से क्षमा मांगता है, फिर भी वह अपने कमरे से नहीं आती तो वह कहता है, अपना मुंह कभी नहीं दिखाऊंगा. आनंदी को पछतावा हुआ, मन में ग्लानि आई. लाल बिहारी का हाथ पकड़कर उसे अपनी सौगंध दिलाकर घर में रहने की प्रार्थना की. इस तरह घर का मोहल्ला बिगड़ रहा था, परंतु आनंदी ने बना लिया, संभाल लिया. आनंदी का चरित्र चित्रण कीजिए. उत्तर, आनंदी उच्च कुल की लड़की, ठाकुर भूप सिंह की चौथी लड़की रूपवती गुणवती लड़की थी. भूप सिंह के कुल 7 लड़कियां थी, उनमें चौथी थी.
गौरीपुर के ठाकुर, बेनी माधव के बड़े लड़के श्रीकंठ से शादी हुई, धनी संपन्न में पली आनंदी, देहाती सीधा साधा गृहस्थ मकान में रहने लगी। कष्ट अपमान सहकर मर्यादा नष्ट न होने देती थी, सात्विक प्रवृत्ति वाली बिगड़ते काम को बनाने वाली थी। अंतकंतद उत्तर बरिबेकु मेनली थर्ड अलीरतकंतदु निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा, जल्दी से पका दो मुझे भूख लगी है। उत्तर है लाल बिहारी सिंह अपने भावत से कहा, जिसके गुमान पर भूली हुई जो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। ठाकुर बेनी माधव सिंह ने अपनी बहु आनंदी से कहा। तीसरा वाक्य है बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। उत्तर ठाकुर बेनी माधव सिंह ने अपने बड़े बेटे श्रीकंठ से कहा, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। श्रीकंठ ने अपने पिताजी ठाकुर बेनी माधव से कहा। अगला वाक्य अब मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसलिए अब नहीं जाता हूँ। उत्तर लाल बिहारी अपनी भाभी आनंदी से यह बात कहा। छठा था भैया अब भी मत कहना कि तुम्हारी मुंह नहीं देखूंगा। लाल बिहारी ने अपने बड़े भाई श्रीकंठ से यह वाक्य कहा। सातवा मुझसे जो अपराध हुआ क्षमा करना। उत्तरे लाल बिहारी ने आनंदी से यह वाक्य कहा। संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। पहला वाक्य है अभी परसों घी आया है इतना जल्दी उठ गया। ओके उत्तर प्रस्तुत वाक्य कहानीकार प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानी बड़े घर की बेटी पाठ से लिया गया है। यह वाक्य लाल बिहारी ठाकुर के छोटे बेटे अपने भाभी आनंदी से कहा। संदर्भ दोपहर के समय लाल बिहारी खाना खाने को आया है। आनंदी ने नया व्यंजन मांस का बनाई और पाव भर घी डाल दिया। दाल में घी न था तो लाल बिहारी ने दाल में घी न होने के कारण पूछा था। आनंदी ने जवाब दिया सारा घी मांस में डाल दिया। इस बात पर गुस्सा होकर लाल बिहारी ने प्रस्तुत वाक्य। अगला वाक्य है स्त्री गालियां सह लेती है पार भी सह लेती है पर मौके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। उत्तर प्रस्तुत वाक्य प्रेमचंद जी की श्रेष्ठ कहानी बड़े घर की बेटी से उद्धृत किया गया है। प्रस्तुत वाक्य आनंदी ने जो दुस्साहस किया था कि सारा घी मांस पकाने में उठा दिया था अमीर घर की लड़की थी। इस बात का ज्ञात कराने हेतु लाल बिहारी ने कहा कि मैके में तो घी की नदी बहती हो। यह बात आनंदी के मन को चुमी। स्त्री सब सह लेती है किंतु मायके का अपमान कर कदापि सह नहीं सकती। अगला वाक्य था पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है। उत्तर यह वाक्य बड़े घर की बेटी प्रेमचंद जी की उत्कृष्ट कहानी में से लिया गया है। यह वाक्य बेनी माधव के बड़े बेटे श्रीकंठ ने अपनी पत्नी आनंदी से कहा है। संदर्भ जब मैके का अपमान सहन न कर आनंदी ने उल्टा जवाब अपने देवर को सुनवाया था तो बात श्रीकंठ तक पहुंची थी। उसमें ठाकुर बेनी माधव सिंह ने गवाही दी और कहा कि बहु बेटियां मर्दों के मुंह नहीं लगते यह अच्छा स्वभाव नहीं। तो श्रीकंठ ने पत्नी से इस घटना की जानकारी प्राप्त हेतु सच्चाई जानने के लिए ऐसा अभद्र व्यवहार न करे यह चेतावनी देते कहा है। अगला वाक्य उससे जो कुछ भूल हुई उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। उत्तर प्रस्तुत वाक्य प्रेमचंद जी की बड़े घर की बेटी पाठ से लिया गया है। संदर्भ बेनी माधव ठाकुर ने अपने बड़े बेटे श्रीकंठ से यह बात समझाने हेतु कहा। छोटे बड़े लाल बिहारी के अभद्र व्यवहार से आनंदी की जबान चलने से खुद ठाकुर जी आनंदी पर खड़ाऊं फेंकने की बातों से नाराज श्रीकंठ घर छोड़ने को सोचता है। जहां नारी का सम्मान नहीं उनके साथ पशुवत व्यवहार असहा होता है। स्त्रियां ही घर बसाती और नाश भी करती है तो इस घर को बचाने की सोच से ठाकुर बेनी माधव अपने बड़े बेटे से छोटे बेटे को माफ करने के लिए कह रहे ताकि तुम बड़े हृदय वाले बनो। अगला वाक्य था बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। उत्तर यह वाक्य प्रस्तुत कहानी बड़े घर की बेटी से लिया गया है जिसके लेखक है साहित्य सम्राट श्री प्रेमचंद जी। बेनी माधव अत्यंत प्रसन्न थे जब भी दोनों भाईवा ने अपनी अपनी गलती मान गले लगाया था। उनमें
उनकी बहू आनंदी का भी हिस्सा था, जो बिगड़ते नाश होते घर को माफी मांगने के साथ घर की मान मर्यादा स्त्री का बल का प्रदर्शन किया था, जिससे ठाकुर बेनी माधव बेहद खुश थे। गांव वालों को यह वृत्तांत सुनाते फूले नहीं समा रहे थे कि बड़े घर की बेटियां ऐसी होती है जो महान त्यागी सहृदय वाली होती है, बिगड़ता काम भी आसानी से बना लेती है। पांचवा मेन में था कि वाक्य शुद्ध कीजिए है वाक्यता, उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। सही वाक्य होना था कि उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे, उनकी के जगह उनका उनके का प्रयोग होना था। दूसरा, स्वयं उनका पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध थी। उत्तर है स्वयं उनको पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। आनंदी अपने नए घर में आया, आनंदी अपने नए घर में आई। मुझे जाना दो, उत्तर होगा मुझे जाने दो। नेक्स्ट, सिक्स्थ मेन में है, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरना था। सो शब्द दिए गए हैं ऐसी शनिवार संतान गौरीपुर हाथी। पहला वाक्य था इस दरवाजे पर डैश झूमता है, उत्तर होगा हाथी। दूसरा था डैश में रामलीला के वही जन्मदाता थे, उत्तर है गौरीपुर। सुंदर डैश को कदाचित उसके माता पिता भी अधिक चाहते थे, उत्तर होगा संतान। चौथा वाक्य है श्रीकंठ सिंह डैश को घर आया करते थे, उत्तर है शनिवार। बड़े घर की बेटियां डैश ही होती है ऐसी। नेक्स्ट जो सातवां था कि अन्य लिंग रूप लिखना था कि ठाकुर ठकुरानी पति पत्नी बेटा बेटी स्त्री पुरुष बुद्धिमान बुद्धिहीन हाथी हतिनी भाई पहन। अगला होगा अन्य वचन रूप लिखना है घर घर बेटी बेटियां बैंस बैंस स्त्री स्त्रियां आंख आंख आंखे थाली थालियां। सो इस प्रकार इस शब्द में हम लोग पाठदली इल्लियवर्गे नावेन माडिदीवि अंतंद्रे एस बड़े घर की बेटी पाठदली एल्ला ओंदु प्रश्नोत्तरगळन्नु अदु व्याकरण इरबहुदु मत्तु अभ्यास प्रश्नोत्तरगळन्नु तुंबाने सरळवागि तिळिदुकोळ्ळोदक्के प्रयत्नवन्नु माडिदीवि। ಇದೇ ತರಹದ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಠಗಳ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.